नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बीते सप्ताह की उन सभी जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने विशेष साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। कोरोना महामारी के दौर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी किया। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में शीतलन दक्षता और किगाली संशोधन रिपोर्ट के लाभों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2050 तक दुनिया को कम से कम 14 बिलियन के शीतलन उपकरण की आवश्यकता होगी। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 3.6 बिलियन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ये उपकरण वैश्विक तापमान वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आने वाले समय में तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा, घरेलू क्षेत्र में आराम और विलासिता, टीकों और दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता होगी। इस रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि एयर कंडीशनर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। अगर सही नीति नहीं अपनाई गई तो 2050 तक प्रशीतन से उत्सर्जन में तकरीबन 85 से 90% तक बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत सहित 197 देशों ने HFC का इस्तेमाल कम करने के कानूनी बाध्यता को स्वीकार किया था। HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना खतरनाक है। इन्हीं वार्ताओं में HFC का उपयोग कम करने के लिए मॉन्ट्रियल संधि में संशोधन के प्रस्ताव पर मतभेद दूर कर संबंधित किगाली संशोधन पर सहमति जताई गई थी। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें दिल्ली की थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के समान हैं। साल 2010 के बाद से एयर कंडीशनर का उत्पादन 13% बढ़ा है और एक उम्मीद के मुताबिक 2027 तक एयर कंडीशनर की मांग में 15% की उम्मीद है। फिलहाल भारत सरकार ने 24 डिग्री सेल्सियस को AC के लिए डिफ़ॉल्ट तापमान के रूप में अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में हरियाणा सरकार की समय से पूर्व रिहाई संबंधी नीति को न्यायमूर्ति UU ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक बड़ी खंडपीठ को हस्तांतरित कर दिया। दरअसल साल 2019 में संस्थापित हरियाणा सरकार की नवीन नीति के तहत हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुरुष कैदियों को 75 वर्ष की आयु होने और कम से कम 8 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। इस संबंध में न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर अपनी नीति को स्पष्ट करने के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा था। आपको बता दें कि न्यायालय आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य द्वारा गठित क्षमा नीति के लागू होने के बाद 8 वर्ष की सजा पूरी होने पर रिहा हो गया था। अब न्यायालय की यह खंडपीठ हरियाणा सरकार की इस नई नीति की समीक्षा करेगी कि क्या यह नीति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के विपरीत है या नहीं। हाल ही में एक नया ब्लैक रॉक नाम का एंड्रॉयड मैलवेयर खोजा गया, जिसको लेकर थ्रेट फैब्रिक नाम की एक निजी कंपनी ने चेतावनी जारी की है। यह मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है। इस मैलवेयर को लेकर सूचना जारी की गई कि यह क्रेडिट कार्ड सहित अमेजन, फेसबुक, जीमेल, ऊबर, टिंडर और नेटफ्लिक्स जैसे तमाम एप्लीकेशन से संवेदनशील जानकारियां चुरा रहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ा खतरा है। साइबर विशेषज्ञों ने बताया कि ब्लैक रॉक मैलवेयर कोई नया नहीं बल्कि यह जेरिस मैलवेयर के लीक हुए सोर्स कोड पर ही आधारित है। हाल के दिनों में नियोवाइस नाम का एक धूमकेतु धरती की ओर आ रहा है। इस धूमकेतु को पहली बार मार्च के आखिर में देखा गया था। 23 जुलाई को यह धूमकेतु धरती के सबसे नज़दीक रहा, लेकिन फिर भी यह 103 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा।
धूमकेतुओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों यानी यूरोप, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से देखा जा सकता है। नियोवाइस धूमकेतु की यह घटना काफ़ी दुर्लभ है क्योंकि ऐसा नज़ारा 6800 सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। कोरोना टेस्टिंग किट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इजरायली दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों में इजरायल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में भारत इजरायल एंटी कोविड 19 कोऑपरेशन चलाया जाएगा। भारत में कोरोना मामले को देखते हुए सरकार अब टेस्टिंग पर जोर दे रही है। इजरायल की एक टीम के सहयोग से देश में 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम हो रहा है। 23 जुलाई को इजरायली दूतावास ने यह जानकारी दिया कि यह टीम भारत आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्रालय का उच्च श्रेणी का अनुसंधान एवं विकास दल तेल अवीव से स्पेशल फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचेगा। भारत के बाजार में इस किट के विकास और उत्पादन से इन इजरायली प्रौद्योगिकी का कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और इसे तीसरे देश को भी बेचा जा सकता है। भारत अभी तकरीबन 10 लाख कोविड 19 के मामलों का सामना कर रहा है और अपने अस्पतालों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना चाहता है। ये इजरायली वैज्ञानिक अपनी 4 तकनीकों के साथ भारत आ रहे हैं, जिसमें 2 कोविड 19 जांच के लिए और 1 तकनीक किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनकर बता सकती है कि वह कोरोना संक्रमित है या नहीं। वहीं चौथी तकनीक एक वायरस डिटेक्टर है जो सांस के नमूने पर रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। 17 जुलाई को हुए एक आभासी पुश इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल आयोजन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र और अमेरिका के ऊर्जा सचिव डैन ब्रोइलेट ने अमेरिका की धरती में पेट्रोलियम भंडार पर चर्चा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के सहयोग और रखरखाव पर चर्चा शुरू करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और सर्वोत्तम अभ्यास भी शामिल किया गया। इस प्रकार की वार्ता से भारत को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट विदेशों में भी सक्रिय रूप से बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही इस बैठक में भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी के तहत दोनों देश स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों पर भी चर्चा करेंगे। इसी साझेदारी के तहत भारत और अमेरिका ने पिछले 3 वर्षों में हाइड्रोकार्बन व्यापार में वृद्धि की है। साल 2019-20 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यूएई सरकार ने अरब देशों की सूची में इतिहास रचते हुए अपने पहले अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। अरब जगत के इस पहले यान को अमल या होप नाम दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोप मिशन को H2A लॉन्च व्हीकल 42 से लॉन्च किया। आपको बता दें कि इस अंतरिक्ष यान को 15 जुलाई को ही लॉन्च करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रक्षेपण को 5 दिन के लिए टाल दिया गया था। 7 महीने की यात्रा के बाद यह यान फरवरी 2021 में यूएई के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। लॉन्चिंग के करीब 1.5 घंटे बाद मार्स मिशन के डायरेक्टर उमरान सराफ ने बताया कि यह सही सिग्नल भेज रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े विमानवाहक USS निमित्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक मार्ग युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कुमारता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने जहाजों के साथ मिलकर काम किया। इसमें अमेरिकी जहाज USS निमित्ज सुपर कैरियर के नाम से विख्यात विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई का जहाज है। न्यूक्लियर शक्ति से लैस इस युद्धपोत को साल 1975 में अमेरिकी सेना में कमीशन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी USIBC के इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया। इसकी मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने किया। इस साल इसकी थीम बेहतर भविष्य का निर्माण रखा गया।
दरअसल इस समिट का आयोजन हर साल USIBC के जरिए भारत और अमेरिका की आर्थिक भागीदारी और द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से किया जाता है। 21 और 22 जुलाई को आयोजित इस समिट के दौरान कई सत्रों को आयोजित किया गया, जिसमें राजनेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और व्यापारिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने विचार और राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के एजेंडे में गरीबों और कमजोरों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इज ऑफ लिविंग की तरह ही इज ऑफ बिजनेस भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत एक समृद्ध और सशक्त दुनिया बनाने में अपना योगदान दे रहा है। भारत के दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को कोविड-19 संक्रमण की वजह से निधन हो गया। वह 51 वर्ष के थे। रमेश टीकाराम को साल 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने साल 2001 में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही वह विकलांगों के लिए पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। देश की प्रख्यात गणितज्ञ कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री का 19 जुलाई को 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि कांजीवरम को बीजगणितीय ज्यामिति में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। बीजगणितीय ज्यामिति में शेषाद्री कांस्टेंट उनके नाम पर रखा गया। शेषाद्री ने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्नातक छात्रों के पहले बैच के रूप में किया था। 20 जुलाई को बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। साथ ही आरके सिंह ने राइज यानी रेट्रोग्रेड ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी का भी उद्घाटन किया। चार्जिंग प्लाजा की स्थापना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न तरह के अलग अलग विशिष्टता वाले 5 प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर हैं। वहीं राइज पहल पूरे देश में खराब वायु गुणवत्ता को दूर करने के लिए शुरू किया गया। राइज को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साझेदारी से शुरू किया गया। भारत ने हाल ही में अपनी स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड से किया गया। इस परीक्षण में मिसाइल ध्रुवस्त्र ने वह सारे पैमाने पूरे किए जो वैज्ञानिकों ने उम्मीद किया था। मिसाइल की ट्रैकिंग और मानक क्षमता दोनों ही सटीक और बेहतर हैं। आपको बताते चलें कि DRDO द्वारा विकसित ध्रुवस्त्र एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM है। यह नाग और हेलिना का विकसित हेलीकॉप्टर संस्करण है जो कई विशेषताओं से लैस है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के अवसर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय साल 2009 में लिया था, लेकिन पहला नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। भारत में 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। इस नए कानून को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लागू किया गया। नए कानून को लागू करने का उद्देश्य ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकना है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए जो पुराने कानून में शामिल नहीं किए गए थे। इस कानून के तहत बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा और 7 साल की जेल भी होगी। वहीं उपभोक्ता की मौत होने पर 10 लाख का मुआवजा और 7 साल की जेल या आजीवन कारावास हो सकता है।
इस कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी और भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही झूठी शिकायत करने वालों पर भी 50,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने नए अभियान के तहत छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के शुरू होने की वजह छात्रों को उनकी मानसिक समस्या को दूर कर उन्हें स्वस्थ रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन साल 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत किया था। साल 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत किया गया था, लेकिन साल 1930 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें प्रसारित करना शुरू कर दिया। साल 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और फिर 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। रियल मैड्रिड ने लॉ लीगा फुटबॉल खिताब जीत लिया। इस प्रतियोगिता के फाइनल में रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से पराजित करके खिताब को जीता। इस पूरे टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 37 में से 26 मैचों में जीत दर्ज किया। रियल मैड्रिड ला लीगा में पिछले 3 सालों में पहला और कुल 34वां खिताब जीतने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि रियल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, जिसका पूरा नाम रियल मैड्रिड क्लब डी फुटबॉल है। ब्रिटेन की सेना चीन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के तहत प्रशांत महासागर में HMS क्वीन एलिजाबेथ वाहक को तैनात करेगा। इस पोत की तैनाती साल 2021 में किया जाएगा। चीन द्वारा लगाए गए हांगकांग सुरक्षा कानून की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इस कानून के तहत चीन का अब हांगकांग के रक्षा और बाहरी मामलों पर भी नियंत्रण हो गया है। हांगकांग के प्रमुख व्यापार साझेदार देश भी चीन द्वारा किए जा रहे तमाम परिवर्तनों से नाराज हैं। दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में अमेरिका पहले ही अपना युद्धपोत भेज चुका है। आपको बता दें कि चीन पर यह सारी कार्यवाही अंतर संसदीय गठबंधन के तहत किया जा रहा है। इस गठबंधन को इसी वर्ष जून में लॉन्च किया गया था, जिसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका शामिल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और पूर्व लोकसभा सांसद लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके अस्वस्थ होने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। वह उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम कर रही थीं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने रोजगार देने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुँचाने में भी मदद कर रहे हैं। यह एप्लीकेशन सही नौकरी के अवसर खोजने के लिए श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने के लिए सभी आवश्यक लिंकेज और जानकारी प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से भी ज़्यादा कंपनियों के लिंक हैं, जो परिधान, निर्माण, हेल्थ केयर, BPO, ऑटोमोबाइल और ई कॉमर्स से संबंधित हैं। फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा हर साल दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार इस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़े फुटबॉल टूर्नामेंटों की वजह से यह फैसला लिया गया। साल 1956 में शुरू हुए इस पुरस्कार को यह पहला मौका है जब किसी भी खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं दिया जा रहा। इस पुरस्कार को लियोनल मेसी ने रिकॉर्ड 6 बार जीता है, वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस पुरस्कार को 5 बार जीता है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक ड्रोन का निर्माण किया है। स्वदेश निर्मित इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया। यह ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में बेहद सटीक निगरानी करता है। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए इस ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर ही निगरानी के लिए रखा जा रहा है। फिलहाल साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।